यहाँ पे तो सही में कई पेशेंट आते हैं जो दातुन को रेगुलरली यूज करते हैं। देखो दातुन क्या है, मसूड़े के लिए तो अच्छा है, मसूड़े का वो मसाज करता है, एक्सरसाइज होती है थोड़ा वो है, बट दांतों की जहाँ तक सफाई के बारे में कहा जाए तो दांत की सफाई उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मैं ये कहूँगी कि दातुन जो है मसूड़े के लिए अच्छा है, इट इज़ गुड फॉर गम मसाज बट नॉट गुड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ, क्योंकि दांत जो हमारा नॉर्मल दांत है वो क्या है, स्ट्रेट तो नहीं होता, नहीं कनकेव, ऊपर चौड़ा है नीचे जो है कनकेव शेप होता है। तो नॉर्मली जब दातुन का यूज करते हैं लोग तो फोर्स ज्यादा लगता है, जिससे क्या है ट्रॉमा, इवन ऊपर का सरफेस तो क्लीन हो जाता है, नीचे के सरफेस अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, प्लस वो मसूड़े कुछ डैमेज भी कर देते हैं। तो इसलिए प्रॉपर टेक्निकली सब अच्छे से नहीं हो पाता है ब्रशिंग। दूसरी बात, दांत की सफाई जितना बाहर से इंपॉर्टेंट है उतना ही अंदर की साइड से है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि अंदर से क्लीनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटसाइड। बाहर से तो सभी देख के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, बट नीचे अंदर की तरफ क्या है, रात को जो हमारे मुंह से सलाइवा सिक्रीट होता है वो जमा होता है और वो लार के रूप में वहाँ पे गंदे कैलकुलस के फॉर्म में जमा हो जाता है। अब इस कैलकुलस को क्लीन करने के लिए प्रॉपर इनसाइड क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दातुन क्या, दातुन का एक्सेस जो है अंदर की तरफ अच्छे से हो नहीं पाता है, तो बाहर से तो सफाई कर देता है लेकिन अंदर के सरफेस को क्लीन नहीं कर पाता है, तो इसलिए ऑलवेज क्लीनिंग जो है कॉम्प्रोमाइज रहता है, पेशेंट के दांत इतने हेल्दी नहीं दिख पाते हैं जी। तो दातुन जो लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रशिंग को छोड़कर, तो क्लीनिंग के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं, लेकिन गम हेल्थ भी जो उनके मसूड़े भी उनके डैमेज हो जाएंगे। देखो मसूड़े का क्या, जैसा मैंने बताया, अगर वो अच्छे से नहीं करते, नीचे अगर के सरफेस पे रगड़ रहे हैं तो वो ट्रॉमा कॉज करते हैं जिससे मसूड़े का है। तो उस वे में अगर प्रॉपरली करें तो मसूड़े को उतना है, पर लेकिन मेनली जो दातुन का नुकसान है कि दांत की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है जी। तो वो थोड़ा सा दिक्कत की तरफ हो जाता है। मैम आपने हमें कई बार ब्रशिंग के सही तरीकों के बारे में बताया है, तो दातुन इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है फिर? देखो दातुन का ये है कि एक तो जब आप यूज़ करते हो तो प्रॉपर फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना है, दातुन को लेना है अच्छे से बाहर की तरफ उसको करना है और अंदर की तरफ भी कोशिश करना है दांत क्लीन करने के लिए। कई लोग को लगता है कि दांत बाहर से क्लीन हो गए तो साफ है, बट मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि दांत जितना बाहर से सफाई जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा अंदर की तरफ से भी सफाई जरूरी है। सो इंटरनल क्लीनिंग भी, लिंगुअल सरफेस को क्लीन करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसलिए दातुन को बाहर लेबियल सरफेस भी करें और साथ जीभ के अंदर का साइड है उस साइड भी क्लीनिंग किया जाए जी। दातुन बहुत अलग अलग चीज़ों के भी लोग अलग अलग पेड़ों के इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में आप कभी पेशेंट्स को सजेस्ट करती हैं कि अगर दातुन इस्तेमाल करना है तो किसका किया जाए? देखो नीम का दातुन अच्छा है, नीम के दातुन में क्या कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो कि केरीज के अगेंस्ट काम करता है। तो मैं कहूँगी दातुन यूज़ करें, लेकिन इस ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूथब्रश को छोड़ के दातुन यूज़ करें। इट कैन बी यूज एज अ सप्लीमेंट, मतलब अगर ब्रश कर रहे हो तो आप एक दो दिन दातुन कर लिए, बट ये नहीं है कि ब्रश हम नहीं करें और उसको प्रॉपरली रिप्लेस कर दिया जाए दातुन से। सो दातुन को हमेशा सप्लीमेंट की तरफ यूज़ किया जा सकता है कि ब्रशिंग तो है ही, वो यूनिवर्सल है, उसको यूज़ करना है, दातुन बीच बीच में किसी दिन यूज़ कर सकते हैं जी।